नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। दक्षिण एशियाई मुल्कों में आज की घड़ी भारत ने सबसे ज्यादा कठोर फैसले लेकर अपनी जनता को बचाने का संकल्प लिया है। ऐसा प्रयास अब तक अन्य मुल्क करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। भारत ने पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया है। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सख्त कदम है। 130 करोड़ की आबादी अपने घरों में कैद है। लोगों ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए सरकार के दिशा निर्देशों को मानने का फैसला किया है। व्यस्तपूर्ण जिंदगी लगभग ठहर चुकी है। चारों तरफ सन्नाटा पसर रहा है, मगर बावजूद इसके अभी भी कुछ देश इस रोग को रोकने की बजाय लापरवाहीपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। खासतौर से पाकिस्तान एक बार फिर एक जोखिम के रूप में सामने आया है। यह देश इस वक्त भी चालबाजी से काम ले रहा है। कहा जाता है कि पाकिस्तान जानबूझकर इस रोग को फैलने दे रहा है। उसने केवल आंशिक प्रयास ही किए हैं। एक साजिश के तहत उसने अपने अवाम को मौत के मुंह में धकेल दिया है। पाकिस्तान दुनिया को यह दिखाने की चेष्टा में है कि उसके पास इस बीमारी से लड़ने के साधन नहीं है। उसकी आर्थिक स्थिति खराब है और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए धन की भारी कमी है। पाकिस्तान की मंशा यही है कि इस रोग से पाकिस्तान को भयावह स्थिति में धकेल कर वह अमीर देशों से न केवल भीख हासिल करे बल्कि उस पर मौजूद कर्ज को भी माफ करवा सके। इमरान खान और बाजवा इसी साजिश के मद्देनजर दुनिया की प्रतिक्रिया देख रहे हैं। पाकिस्तान को उम्मीद है कि जैसे जैसे पाकिस्तान में यह संक्रमण ज्यादा फैलेगा, विकसित देशों का ध्यान उसकी तरफ जाएगा। फिर पाकिस्तान को न केवल आर्थिक मदद का पिटारा खुलेगा बल्कि उसके भारी कर्जों की माफी भी हो सकती है। पाकिस्तान पर इस वक्त 111 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज है। इसके अलावा वह छुपा कर्ज भी है जो उसने सीपैक की आड़ में चीन से लिया है। चीन तो किसी सूरत में अपना कर्ज या सूद माफ नहीं करेगा, लेकिन पश्चिमी ईसाई मुल्कों से पाकिस्तान को उम्मीद है कि वे जरूर उसकी अलग पर पसीज सकते हैं। इसके लिए पाकिस्तान ने बड़ा दांव भी चल दिया है। उसने ढिंढोरे पीटने शुरू कर दिए हैं कि मई महीने तक पाकिस्तान में संक्रमित लोगों की तादाद 2 करोड़ हो जाएगी। यह अनुमानित आंकड़े यकीनन दुनिया को डराने वाले हैं। खासतौर से पाकिस्तान इन्हें बार बार दुनिया को सुना रहा है ताकि दुनिया इस पर संज्ञान ले और एहतियाती कदमों का हवाला देकर कुछ रकम भीख में दे दे। बड़ी बात यह है कि अमरीका ने उसे 10 लाख डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी, मगर पाकिस्तान ने 2 दिन पूर्व ही बाबर मिसाइल का परीक्षण करके अमेरिका का मूड खराब कर दिया। इमरान सरकार ने विश्व बैंक और एशियाई विश्व बैंक से भी मदद की गुहार लगाई है। उसका मकसद यही है कि कर्ज लेकर फिर उसे कर्ज माफी में बदलवाया जा सके। फिलहाल पाकिस्तान में इस बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1100 से ऊपर पहुंच चुका है और 9 लोग हुरों की खोज में गए हैं, मगर गैर सरकारी आंकड़ों का दावा इससे बिल्कुल उलट है। उनके मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 3400 लोग संक्रमित हैं और 40 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। मगर इमरान सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए झूठे आंकड़े पेश कर रही है। इसी बीच पाक सेना ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। उसने संक्रमित मरीजों को पीओके में स्थानांतरित करने का निर्णय किया है। सेना की इस मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। सेना ऐसा करके पीओके को सीधे सीधे जोखिम में डाल रही है। साथ ही इनमें से कुछ कट्टरवादी मुल्लाओं को भारत में घुसाने की भी योजना है। यदि पाकिस्तान ऐसा करने में कुछ हद तक सफल हो जाता है तो यह भारत के लिए चिंताजनक स्थिति हो सकती है। इसलिए भारत की जनता को ऐसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। आमतौर पर भारत में यही तबका इस रोग के प्रसार में जिम्मेदार माना जाता है। कल उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना से ऐसा ही एक जियादी पकड़ा गया है जो सऊदी अरब से इस बीमारी को लेकर भारत आया था। उसने बहुत से लोगों को संक्रमित कर दिया है। यूपी की योगी सरकार को कल आनन फानन में ही शामली में लॉकडाउन का आदेश जारी करना पड़ा था। पाकिस्तान इस तरह के हथकंडे अपनाकर पूरी दुनिया पर दबाव बनाने की रणनीति पर अमल कर रहा है। उसे लगता है कि इस आपदा को भी अपने पक्ष में बुनाया जा सकता है और दुनिया के देशों से मदद के नाम पर लाभ भी उठाया जा सकता है। हालांकि दुनिया के बड़े मुल्क इस वक्त खुद बेबस हैं। उम्मीद तो नहीं है कि पाकिस्तान को मदद मिलेगी, लेकिन इन देशों में हालात पटरी पर आते हैं तो पाकिस्तान जरूर अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। ऐसी अवस्था में पाकिस्तान भारत के लिए फिर एक बड़ी मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए भारत में लॉकडाउन के बाद भी भारत के तमाम पैरियों और सरकार को चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। केवल इतना ही नहीं, इसके लिए नागरिकों को भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस तरह के जिहादी आपके आसपास भी हो सकते हैं। यह लोग अभी भी हूरों के दीदार के लिए तुड़फुड़ा रहे हैं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।